कौन कौन लोग आज इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और आगे क्या चाहते हैं आप इसमें? इस प्रोटेस्ट में ये कोई राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं है। निगम पार्षद जी के नेतृत्व में सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों शामिल हुए हैं। सारी RWH हुई हैं, सारे धर्मों के लोग हैं, सारे जातियों के लोग हैं, सारे संप्रदाय के लोग हैं। हमारी एक ही मांग है कि हिंदुस्तान के अंदर पहली बार किसी स्कूल में, पहले तो होता आया है लेकिन उसको तो हम सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में नफरत के बीच हम सहन नहीं कर सकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने बच्चों को धर्म के आधार पर बांटने की साजिश की है, जिन्होंने किसी के इशारे पर, ये कोई एक प्रिंसिपल का मैटर नहीं है, ये एक सरकार का मैटर है। MCD की दिल्ली सरकार, बहुत से स्कूलों में इसका पर्दाफाश होगा कि बहुत से स्कूलों के अंदर धर्म के आधार पर बच्चों को बांट रही है। एक बच्चे को हिंदू का अलग बैठाया जाता है और मुसलमान को अलग बैठाया जाता है। इससे बड़ा देशद्रोह, इससे बड़ा घृणा का काम, इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ी नफरत हिंदुस्तान में हो नहीं सकती। जो कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल की कार्रवाई हो और इसकी एक इंक्वायरी की जाए, बल्कि CBI जांच की जाए पूरे दिल्ली के स्कूलों की, खाली MCD के स्कूलों की नहीं, दिल्ली सरकार के स्कूलों की भी, कि वहाँ भी कहीं नफरत के बीज नहीं बोए जाए। जो काम जिन्ना नहीं कर पाया वो काम ये सरकार इन प्रिंसिपलों से करवाना चाहती है, इन टीचरों से करवाना चाहती है। कोई FIR भी करवाएंगे आप? हम FIR करवाने के लिए कल भी गए थे लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जो है आप रिटर्न में लाइए, हम रिटर्न में ले जा रहे हैं। प्रिंसिपल के खिलाफ FIR कराएंगे, प्रशासन के खिलाफ FIR कराएंगे। नहीं होती है तो क्या रास्ता अपनाएंगे आप? FIR दर्ज नहीं होगी तो आज तो हम सब शांति प्रिय ढंग से आए हैं। FIR नहीं होती तो चौक चौराहे पे जाम करेंगे, सांप्रदायिकता को किसी भी कीमत पे पनपने नहीं देंगे। कोर्ट जाएंगे इस मुद्दे को लेकर के? कोर्ट से मैं कहता हूँ कि लड़ाई सड़क से लेकर न्यायालय तक, संसद तक, सब जगह आवाज उठाई जाएगी। सब इंस्टीट्यूशन को जो है सावधान किया जाएगा कि ये जो नफरत के बीच, जो ये घृणा के बीच, जो बच्चों को बांटने की साजिश, जो सांप्रदायिकता सोच, जो बंटवारा, जो धार्मिक प्रपंच, जो धार्मिक आधार पे, मजहब आधार पे बच्चों को बांटने की साजिश की है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। इसके गुनाहगारों को तुरंत से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। खाली सस्पेंड करके छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको इमीडिएट टर्मिनेट करना चाहिए। और जो जो टीचर बीच में इन्वॉल्व है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई लें। यहाँ पे जो हिम्मत की है हिंदू और मुसलमान की एकता और अखंडता को बांटने की, घृणा का बीज छोटे बच्चों में बोने की, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे जो अभी सीख रहे हैं, जो एकता की मिसाल हैं, उनके अंदर बीज बोने की जो हिमाकत एक प्रिंसिपल ने, एक इंस्टीट्यूशन ने, एक सरकार ने की है। क्योंकि ये एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे MCD की पूरी सरकार जिम्मेदार है। गलना के वो लोग जिम्मेदार हैं, नफरत के वो बादशाह जिम्मेदार हैं, जो जब भी कोई चुनाव आता है हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करते हैं, भाई से भाई को लड़वाने की कोशिश करते हैं। अब तो पहले तो बुजुर्गों और युवाओं को बहकाया जाता था, अब तो नफरत के बीच छोटे छोटे बच्चों में पोने शुरू कर दिए हैं। आप देखो कि कितना घृणात्मक ये काम हुआ है कि एक तरफ हिंदू के बच्चे को बैठा दिया जाता है, दूसरी तरफ मुसलमान के बच्चे को। और ये नहीं, खाना भी जब जो मिड डे मील Allah 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 Allah
मामला क्या है, क्यों प्रोटेस्ट कर? एमसीडी स्कूल में हमें मालूम नहीं था, कल ही हमें पता चला है यहाँ हिंदू मुस्लिम को डिवीजन किया जा रहा है, दोनों के सेक्शन अलग अलग करे जा रहे हैं, हमें कल ही पता चला इस चीज के बारे में। हमारी मांग है कि जितने भी एमसीडी के स्कूल हैं, जितने दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, इन सबकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है हर स्कूल में ऐसा डिवीजन किया जा रहा है, और हमारी मांग है कि प्रिंसिपल को सस्पेंड करना एक सोल्यूशन नहीं है, प्रिंसिपल के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजाना जाना चाहिए, कि स्कूल में इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, और 2019 के इलेक्शन नजदीक आने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारा अंदेशा है कि इस तरह का स्कूल में ऐसे डिवीजन करके इलेक्शनों का एक तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भेदभाव किया जा रहा है। हमारा इसमें अंदेशा है कि इसके पीछे कोई किसी की सोची समझी साजिश है। यहाँ जो ये किया जा रहा है स्कूल में, अगर वो संघ के वो सदस्य हैं, स्कूल में टीका लगा के आने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो सीधा सीधा बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं? हमारी मांग है कि प्रिंसिपल को सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए, उसके बल्कि उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी चाहिए उसके, और जितने भी हमारी मांग है कि जितने भी हमारे स्कूल हैं, एमसीडी के हों चाहे दिल्ली सरकार के हों, सब स्कूलों में ये जांच होनी चाहिए कि ऐसा तो हर स्कूल में तो नहीं हो पा रहा। ये लोग पे घूम रहे ग्रामीण की मेहनत है। साम्प्रदायिकता पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बंटवारे पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मजहबी द्वेष पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, एमसीडी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, बच्चों को वही मिलाना होगा, मिलाना होगा, मिलाना होगा, नफरतों पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, साम्प्रदायिकता पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बंटवारे पे बोल, हल्ला बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ना हो गलना और द्वेष, भारत ना हो गलना और द्वेष, एक रहेगा भारत देश, ना हो गलना और द्वेष, एक रहेगा भारत देश, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भेजा हम मुसलमान है, मैं पाकिस्तान से आई हुई हूँ, मैं फिर भी हिंदुस्तान में अपने भारत की वजह से अपने बच्चों को हिंदी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, कि मुस्लिम सब ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये बच्चों के दिलों में फर्क क्यों उठाया जा रहा है कि मुस्लिम आलम हमारे बच्चों को खाना देर में दिया जाता है, हिंदू के बच्चों को खाना जल्दी दिया जाता है, एंड में आता है कि खाना खत्म हो गया। मेरी बच्ची ने बताया, मुझे 4-5 दिन पहले बताया, मुझे इस बात का बोली हूँ, मेरे को बच्ची है कोई बात नहीं कह रही होगी, पर बच्ची ने बताया मुझे, मेरी बच्ची ने कहा मम्मा मैं खाना लेती हूँ खाना खत्म हो जाता है, पहले हिंदू के बच्चों को लगाते मुसलमान के बच्चों को साइड में कर देते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कूड़ा साफ करो, अब क्या सरकार पैसा नहीं देती भंगियों को सफाई करने का, स्कूलों का बच्चे पढ़ने जा रहे हैं स्कूल की सफाई करने जा रहे हैं, ना पानी होता टॉयलेट में, सेक्शन अलग अलग बच्चों को, हमारी बच्चों को थर्ड क्लास में बुला रखा है, वो बच्चों को ऊंची क्लास में बुला रखा है, मेरी बच्ची क्लास में, अब मैं देखो पाकिस्तान से आई हूं, मैं मुसलमान के ऊपर मैं हिंदुस्तान में रहती हूं, मैं कहती हूं मेरी बच्ची हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी है, मेरे को अभी तक नागी नागरिकता नहीं मिली, भैया की 20 साल हो गए मुझे, फिर भी मैं भागा दौड़ी कर रही हूं, हर साल मैं वीजा बनाती हूं पाकिस्तानी हूं, फिर भी मैं अपने हिंदुस्तान के लिए कर रही हूं, मैं नहीं भाया हिंदुस्तान, जन्म हमने यहां लिया है, हम हिंदुस्तान के हैं, मीडिया के सामने।